वाटरमेलन बेस्ट थिंग जानू हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के व्लॉग में मैंने आपको बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखानी है। एक तो ये कि यूरोप में ब्रेकफास्ट जो होते हैं इंग्लिश ब्रेकफास्ट, जो कि मिनाहिल खान अपने इंस्टाग्राम पे लगाती है, वो खाने में कैसा होता है, देखने में कैसा होता है। और इसके अलावा मैंने आपको लेके जाना है पाकिस्तानी एम्बेसी में यूरोप के अंदर और सऊदीया की एम्बेसी में, और मैं आपको बताऊंगी कि एम्बेसी में पासपोर्ट कितने का बनता है और अगर हम उसको कंपेयर किया जाए पाकिस्तानी रुपीस के साथ तो कितना डिफरेंस है। तो खैर ये तो था यहाँ का नाश्ता। मुझे यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ अच्छी लगी थी, वो थी स्क्रैम्बल्ड एग, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर कॉफ़ी भी होती है, स्टार्ट कर तो फिर कॉफ़ी से ही होता है, लेकिन दिल बहुत पाकिस्तानी चाय का करता है। लेकिन अब क्या करें, अंग्रेज़ों के साथ रह के अंग्रेज़ बनना पड़ता है। और यहाँ पे मल्टी वाइटमिन का जो जूस था वो बहुत अच्छा था। जो ऑरेंज जूस होता है वो एवरीवेयर थोड़ा खट्टा होता है, तो आई ऑलवेज़ गो फॉर मल्टी वाइटमिन। तो आप भी किसी ऐसी जगह पर जाए ना तो मल्टी वाइटमिन जूस ऐसा होता है कि उसका ना माइल्ड सा टेस्ट होता है, ना खट्टा ना मीठा, इन बिटवीन। जो उसके अलावा यहाँ पे बहुत डिफरेंट ब्रेड की वैरायटी थी और फ्रूट्स बहुत ज़्यादा था, और ये सीरियल्स वगैरह जो होते हैं, और सबसे बेस्ट थी स्क्रैम्बल्ड एग, और ये ख़त्म हो चुका था। और बॉयल एग भी थे, वो भी ख़त्म हो गए थे, लेकिन शुक्र है मैंने अपना स्क्रैम्बल अब पहले ही डाल लिया था। और उसके ऊपर सॉल्ट पेपर डाल के बड़ा मज़ा आता है। और ये सॉसेजेस वगैरह थी, लेकिन हमें ये भी ख्याल करना पड़ता है ना कि कोई पोर्क वगैरह अंदर ना हो, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वो चीज़ खाएँ जो हलाल भी हो और बेटर भी हो। लेकिन ब्रेड्स की ये प्रॉब्लम है कि ब्रेड्स इनकी ठंडी थी। पहले पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में गई थी, वहाँ पे भी यही मसला था, खैर यहाँ पे भी यही मसला था। नाश्ते के बाद ये एक हिप हॉप था कि आपको 15 मिनट्स के लिए ये राइड कराएंगे और टांगे के ऊपर बड़ा मज़ा आता है। रुके मैं आपको ना टांगे का एक क्लिप दिखाती हूँ। वो आपको 15 मिनट के लिए फ्री है, लेकिन 60 मिनट्स के लिए बाद में 60 यूरो देने पड़ते हैं। खैर ये इनकी मोनोपोली है कि 15 मिनट में बंदे को इतना मज़ा आता है कि दिल करता है पूरा शहर ही देख लें। और अब हम मेन काम जो यहाँ पे हम करवाने आए थे, पासपोर्ट बनवाना है, वो बनवाना है पाकिस्तान की एम्बेसी। वहाँ पर जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर पाकिस्तान की एम्बेसी कैसी है। आपको ये झंडा एक लहराता हुआ नज़र आ रहा होगा, ये है हमारे पाकिस्तान का झंडा। इस मुल्क की कदर तुसी साडे कोलो पुछो। ये बात सुनो, ऊपर देखो ऊपर। What is this? ये थी पाकिस्तानी एम्बेसी की एंट्री, जहाँ पे हमें दीदार हुआ शहबाज शरीफ का। और ये था छोटा सा ऑफिस था, और बाहर यहाँ पे फ्लैग भी लगा हुआ था। और अभी मैं आपको प्राइस लिस्ट दिखाती हूँ कि प्राइजेस कितनी हाई थी। खैर ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, अगर नॉर्मल हो तो 80 यूरो और अगर अर्जेंट हो तो 210। उफ, अगर पासपोर्ट गुम जाता है तो उसके ऊपर फ़ाइन है 7,500 रुपये पाकिस्तानी। इतने में पाकिस्तान में ना नया पासपोर्ट बन जाता है। पासपोर्ट गुमा हुआ था, मैंने वहाँ पर चार्जेस भी दिए और घूमने के चार्जेस भी दिए, और मैंने नॉर्मल वाला ही किया। मैंने कहा मैं क्यों 80,000 लगा के दूसरे वाला बनवाऊं, तो मैंने कहा 30-40 दिन में आ जाएगा तो खैर है। और यहाँ पे ये छोटा सा लॉन बना हुआ था, और जो एम्बेसी थी उनका जो बिहेवियर था इट वाज़ वेरी नाइस, लोग बहुत ही अच्छे थे। और वहाँ पर कुछ बुक्स वगैरह भी पड़ी हुई थी, और अपने मुल्क का झंडा देख के ना बंदे को बहुत अच्छा महसूस होता है। हमारा काम यहाँ पर तो हो गया फिनिश, अब हम जा रहे हैं सऊदी एम्बेसी वहाँ से पूछने के जो यूरोप के रेजिडेंस परमिट जिनके पास होता है तो क्या वो वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं कि नहीं। ये आपके लिए भी इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सऊदी एम्बेसी फ़ोन कर रही हूँ, वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे, और मैंने एजेंट को भी कहा है कि पता करें उनका भी फ़ोन नहीं उठा रहे। सो लेट्स सी, ये जो एक अदद, ये शोहर है ना शोहर, ये मुझे कह रहे हैं मैं एक नाकाम यूट्यूबर हूँ। अच्छा आप मुझे बताएं मैं क्यों नाकाम यूट्यूबर हूँ। क्योंकि मेरी टांग में दर्द है। नहीं नहीं, ऑफ कैमरा कह रहे थे सब्सक्राइबर इसके बढ़ते नहीं है, क्या कह रहे थे? टांग में दर्द है। हाँ ये देखे लोग ऑन कैमरा ऑफ कैमरा क्या कुछ होते हैं, इस तरह लोग दिल में कुछ और होते हैं और ऊपर से कुछ और होते हैं, समझ जाए आप भी। इससे कहते हैं एम्बेसी, यह है सऊदीया की एम्बेसी। और कितनी अच्छी लग रही है, पता नहीं है मुझे अंदर भी जाने देती है कि नहीं। लेट्स सी।
और वही हुआ जिसका डर था, इन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने मुझे कुछ कार्ड्स दिए हैं और कहा है कि इधर आप फ़ोन करें और वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन लें। बड़ा ही मुश्किल है यार ये सऊदीया की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना। सो खैर ये था एम्बेसी यूरोप में पाकिस्तान की और सऊदीया की। सऊदीया की एम्बेसी में आप खुद से नहीं जा सकते, एजेंट के थ्रू जाना होता है, और पाकिस्तानी एम्बेसी में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप यहाँ से अपना पासपोर्ट बनवाते हैं तो वो प्राइस में थोड़ा ज़्यादा होता है। और अगर गुमा हुआ पासपोर्ट है तो आप कहीं पर भी हो आपको पहले फ़ाइन देना पड़ेगा, और अगर आपका पासपोर्ट दो दफ़ा गुम जाए तो वो दोबारा नहीं बनता। तो इसलिए अपनी कीमती चीज़ों को हमेशा संभाल के रखें, तब तक ख्याल रखें। इंशाल्लाह सी यू सून, बाय बाय।